Part One Modern Portfolio Theory. मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी बाकी सुभाष ने आंसर दे दिया बोनस डिबेंचर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है बाकी मुझे उतना मैं मार्केट पे ना जाऊं तो शब्दों से मुझे समझ में आ गया कि बोनस डिबेंचर शेयर होल्डर को बोनस के रूप में डिबेंचर दिया गया खैर हम लोग आगे चले मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी लिखा है उसका नाम है मार्कोविट्स ठीक है मैंने आपको कहा था कि मुझे इस चैप्टर को तीन चार पार्ट में करवाना पांच छह पार्ट थे करीब करीब और मैंने कहा था कि दो ही पार्ट है जो बहुत बड़े हैं एक है मार्कोविट्स मतलब मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी और दूसरा है कैपिटल मार्केट थियोरी या फिर सी एपी उसके बाद बाकी क्वेश्चन में एक दो एक दो क्वेश्चन ज्यादा है नहीं इट मीन ये जो दो पार्ट है हमको बहुत अच्छे से करना उसमें से एक पार्ट हमारा हो चुका है पर उसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं काश एक जब पोर्टफोलियो में तो है सबसे ज्यादा फॉर्मूले आपके पोर्टफोलियो में तो सर अभी कर क्या रहे हैं हमारी कॉपी में लिखा रहना चाहिए क्योंकि बाद में आप मुझसे बाद में मेरे पास टाइम होता नहीं मैं आपको दे नहीं पाता तो मैं सोच चलो इसी टाइम में टाइम निकाल के काम खत्म कर देता उसमें सर सबसे पहले पढ़ा था हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड एविशन ठीक है सर और जो पहले जो बात किया था वो किसकी बात किया था हमने सिंगल स्टॉक की बात किया था ठीक है और सिंगल स्टॉक की बात हमने कहा दो हो सकते एक तो हो सकता एक्स पोस्ट डेटा सर ये टॉपिक खत्म हो गया है फॉर्मूले का एक वीडियो आपका पोर्टफोलियो का थर्टी फोर मिनट का यूट्यूब में है तो उससे कर लोगे क्या मैं आगे बढ़ जाऊं मैं वही वाला वीडियो अगर डाल दूं तो क्या आप कॉपी में वो फॉर्मूला फिर आप मुझे चार्ट्स के लिए नहीं बोलोगे मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर आप परमिट करते हो तो फिर मैं आगे चलता हूं मैं मान के चलूंगा कि आप बना लोगे हाँ जी एक बार कन्फर्म कर दो तो फिर मैं आगे चलता हूँ फिर मैं नए कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ चलो ठीक है रिविजन भी हो जाएगा हाँ हाँ समझ गया समझ गया रिविज़न हो जाएगा रिविजन लिखवा दे रहा हूँ लिखवा दे रहा हूँ ठीक है ठीक है सर एक्सपोस्ट डेटा था एक्सपोस्ट डेटा एक्सपोस्ट डेटा का मतलब होता था जो सर पास्ट का रिटर्न दिया हो तो ठीक पास्ट का रिटर्न दिया चलो यार लगेगा ना हम उतना टाइम नहीं मिलेगी इसको जल्दी ख़त्म कर देंगे क्योंकि आप मेरे साथ में हो ना तो टाइम नहीं लगेगा तो सर एक्सपोस्ट डेटा में एक तो निकालते थे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न यस yes. वो क्या होता था समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन ठीक है एक होता था सर स्टैंडर्ड एविएशन एक्स वो कैसे निकलते थे समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अगर एक्स पोस्ट डेटा दिया है तो तो दूसरा क्या हो सकता था दूसरा हो सकता था एक्स एंटी डेटा सर एक्स एंटीडेटम में उसमें भी दो चीजें थी डेटा सर वो कैसे निकलते थे याद रखना उसमें समेशन ऑफ पी एक्स करते थे ठीक है और स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स कैसे निकलते थे सर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी इसके अलावा एक फार्मूला और पढ़ा था साथ साथ जिसका नाम था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स यस सर और इसमें हमने पढ़ा था पढ़ा गया वो तो हमको मालूम है कि सीवी कम है तो रिस्क भी कम होगा लो लोअर सीवी लोअर रिस्क ओके फिर इसके बाद आ गए थे हम लोग सेकेंड टॉपिक पे और सेकंड में सर हमने लोगों ने क्या किया था सर सेकंड में हम लोगों ने किया था सेकंड सर हम लोगों ने कोरिलेशन पे बात हुई थी यस yes. कोरिलेशन निकालने के लिए पहले कोवेरियंस पढ़ना था यस yes, तो कोवेरियंस और कोरिलेशन एक साथ पढ़ा यस yes, सर तो सेकंड टॉपिक में हमने पढ़ा था कोवेरियंस एंड कोरिलेशन यस कोवेरियंस एंड कोरिलेशन अब कोवेरियंस की बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे सर कोवेरियंस एक्स वाई निकलते थे यस yes. अब उसमें भी दो चीजें थी सर यस yes. क्या क्या था सर एक तो था एक्स पोस्ट डेटा और सर एक्स पोस्ट डेटा था तो उसमें कोवेरियंस कैसे निकलते थे वो ऐसे निकलते थे कोवेरेंस एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और डिवाइडेड बाय क्या करते थे एन और सर दूसरा क्या होता था दूसरा होता था एक्स डेटा मतलब प्रोबेबिलिटी और सर उसमें कोवेरेंस कैसे निकलते थे उसमें निकालते थे कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी ठीक है सर ये भी हो गया ये भी सर उसके बाद कोरिलेशन भी तो निकालने का कोई फॉर्मूला था यस और इसके बाद हमने पढ़ा था कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला कोरिलेशन एक्स वाई इज इक्वल टू स एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड एविशन ऑफ वाई ये था कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला ठीक है सर फिर हम आगे चले और सर आगे जब चले तो हम कोरिलेशन का मेन जो मेजर काम था वो था कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे चले कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन ठीक और कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन में पहली चीज ये निकल के आई है पहला अगर कोरिलेशन एक्स वाई इक्वल टू प्लस वन है परफेक्ट पॉजिटिव है तो रिस्क कैन नॉट रिड्यूस्ड ठीक है सर ये तो बात समझे अगर कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव तो रिस्क कम नहीं हो सकता तो सर स्टैंडर्ड एविशन ऑफ 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 स्टैंडर्ड एविशन निकालना है पोर्टफोलियो का तो बड़ा सिंपल था स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड एविशन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई मतलब सर छोटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा यस ठीक है सर ये बात समझ में आ गई अगर कोरिलेशन प्लस वन है ठीक है फिर दूसरा हमने क्या क्या किया था दूसरा किया था अगर सर कोरिलेशन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वन है तो माइनस वन है तो फिर क्या होता था सर माइनस वन है तो फिर क्या बनता था फिर सर जीरो रिस्क पोर्टफोलियो क्रिएट किए थे यस मतलब सर रिस्क और पोर्टफोलियो जीरो हो सकता था यस yes. जीरो रिस्क पोर्टफोलियो पॉसिबल था और जीरो रिस्क पोर्टफोलियो के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था इम्पोर्टेंट था सर वेट यस yes. और वेट कैसे निकालते थे ऑप्टिमल वेट ऑफ ए इज इक्वल टू दूसरे का स्टैंडर्ड एविशन डिवाइडेड बाय दोनों का स्टैंडर्ड एविशन ठीक है सर और सर फिर स्टैंडर्ड एविशन ऑफ पोर्टफोलियो का कौन सा वाला फार्मूला लगता था बड़ा वाला फार्मूला बड़ा वाला फार्मूला सर फार्मूला लिख दो ना नीचे लिख दूंगा ना भाई नीचे लिख दूंगा ठीक

नहीं करना है। ठीक है सर ठीक है। आगे क्या हो सकता था तो पॉइंट नंबर थ्री अगर कोरिलेशन एक्स वाई इज इक्वल टू अदर है अदर का मतलब मेरे ख्याल से आप समझदार हो ना तो परफेक्ट पॉजिटिव ना तो परफेक्ट नेगेटिव तो सर काम कैसे हो सकता था मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो जीरो नहीं हो सकता था मिनिमम हो सकता था यस yes, सर मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बन सकता था मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो और इसका फॉर्मूला वेट का फॉर्मूला तो पता नहीं भगवानी मालिक है कैसे याद रहेगा पर कोशिश करते हैं और वेट का फॉर्मूला सर वेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू दूसरे का वेरियंस डिवाइडेड दोनों का वेरियंस माइनस कोवेरियंस यहां माइनस हो जाएगा टू कोवेरियंस ठीक है और फॉर्मूला कौन सा लगेगा फॉर्मूला यही लगेगा सेम ठीक है उसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं सर इसका कौन सा अल्टरनेटिव वाला चंद्रकांत का कहना है? बेटे वो हमने एक फॉर्मूला लिखा आप ही ने मुझे बताया था स्टैंडर्ड एविशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए परफेक्ट नेगेटिव है तो फिर बीच में माइनस डाल दिया था हाँ यही वाला यही वाला वेजन थी बिल्कुल सही थैंक गॉड याद है इसके बाद एफिशिएंट और ऑप्टिमम पोर्टफोलियो में कुछ था ही नहीं इसलिए उस मैटर पर मैं लिखवाऊ ना तो भी चल जाएगा बस एक फॉर्मूला और आया था और उसका नाम था शारेश और शारे का फॉर्मूला लिख लेना ई आर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड बस और कुछ बस इतना ही तो फॉर्मूले यार इतना ही तो था बाकी क्या था इसमें बताओ दस मिनट में हो गए सीए पी सर सी ए पी एम का मैं पॉइंट थे कुछ है ना सी ए पी एम में पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ऐसा करके मैंने करवाया पर सी ए पी एम स्टार्ट करने से पहले मैंने कैपिटल मार्केट थियोरी करवाया था वो क्या होता तो मैं यहाँ पॉइंट नंबर वन तो नहीं लिख रहा हूँ सर इसको हम बाद में भी नोट कर लेंगे तो भी चल जाएगा मैं आपको इसका वो तो दे ही देता हूं आ, बोर्ड नोट्स दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी जगह लगेगी और फिर मेरे साथ साथ नोट भी कर तो जो पहला था पहला नहीं लिख रहा हूं नाम था सर कैपिटल मार्केट ये इसका कोई क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आया नहीं और इसका कोई क्वेश्चन है भी नहीं है। पर ठीक है मैं आप मेरा काम है कि आपको याद दिलाना क्या था तो सर इसमें था एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ही निकाला जाता था यहाँ सिंगल स्टॉक के बेसिस पे काम नहीं हो और इक्वेशन था आरएफ प्लस

क्या बोलते थे हम ये बोलते थे यार कि हम क्यों अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाएं एक काम करते हैं कि हम लोग कहाँ पैसा लगा देते हैं हम पूरा की पूरा पैसा मार्केट में लगा देते हैं अगर हमें रिस्क कम लेना तो थोड़ा पैसा मार्केट में थोड़ा पैसा रिस्क फ्री पे रिस्क एवर्स बोलते थे कुछ लोग होते थे रिस्क लवर उसमें क्या काम था हम मार्केट में तो लगाते ही थे और रिस्क फ्री पे भी उठा लेते थे मतलब इसी टॉपिक में हमने नेगेटिव बोरिंग सीखा था बात समझना इसी टॉपिक में हमने नेगेटिव वेट सीखा था एक्चुअल मतलब सिर्फ दो ही पोर्टफोलियो थी कौन कौन सा मार्केट और रिस्क फ्री लिख दू क्या पूरी कहानी तो नहीं लिखूंगा पर एक बात समझना दो ही पोर्टफोलियो थे मार्केट और रिस्क और सर ऐसे कुछ इक्वेशन काम भी होता था कि हाँ बेटे काम होता था यहाँ क्या यहां था हम, आ, था यहां लिखते, था यहां लिखते थे हम लोग सर यहाँ लिखते थे हम मैं लाइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे याद है सर यहाँ लिखते थे हम स्टैंडर्ड एविशन और यहाँ लिखते थे एक्सपेक्टेड टर्न और ये जो लाइन होती थी स्टार्ट आर एफ से और यहाँ काम करते ठीक है और यहाँ आर एम होता है। और यहाँ स्टैंडर्ड एविशन ऑफ मार्केट होता और हम ऐसे भी बना देते ऐसा बनाया था लाइन और इसको नाम देते थे हम इसका नाम था कैपिटल मार्केट लाइन या इसको बोलते थे हम कैपिटल एलोकेशन लाइन कैपिटल एलोकेशन लाइन भी बोल सकते <पाहिञी Lutheran> तो कैपिटल एलोकेशन लाइन क्या बताता एक्चुअल में एक्चुअल में कैपिटल एलोकेशन एलोकेशन साफ शब्द से सिर्फ कैपिटल को हम एलोकेट करेंगे दो चीजों के बीच में किस किस के बीच में मार्केट के बीच में और रिस्क फ्री के बीच अगर रिस्क ज़्यादा लोगे मार्केट के रिस्क ज़्यादा हो तो इसको बोलते हैं रिस्क लवर ये बना हुआ है आपके पास और रिस्क एवर्स। सर ये उतना काम नहीं आएगा नहीं आएगा पर फिर भी हमारे पास होना है तो ये मैंने पढ़ाया था स्टार्ट किया था मैंने सी फिर आगे चले अब आ गया सीएपीएम में पॉइंट नंबर वन अब यहां से मैं पॉइंट नंबर वन स्टार्ट कर टोटल मिलाकर कितने पॉइंट में खत्म किया था टोटल मिलाकर छ पॉइंट्स में हमने खत्म किया था सी में ज्यादा टाइम लगेगा रिवीजन के लिए कोई शक नहीं उसमें सर जो पहला पॉइंट किया था वो क्या किया था वो किया था हमने इक्वेशन और इक्वेशन क्या सीखा था सर केई -E सीखा था केई -E. लेकिन जब हमने केई -E बोला ही नहीं था उस समय उसको हम ई e आर ही बोलते थे ठीक है पर इतना रिस्क के हिसाब से कितना रिटर्न और रिस्क कौन सा लेते थे सिस्टेमैटिक रिस्क सर उसका फॉर्मूला क्या था उसका फॉर्मूला क्या था आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ मल्टीप्लाई किया किया था ईटा और इसमें दो चीजें सीखा था हमने हमने कहा था कि एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक हाँ बोलो सिस्टमैटिक अनसिस्टमेटिक सिस्टमैटिक का मतलब क्या समझा था सर मार्केट रिलेटेड रिस्क मार्केट रिलेटेड और सर अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब स्पेसिफिक रिस्क तो फॉर्मूला भी तो किया था ना यार याद है कि नहीं याद नहीं फॉर्मूला इस पॉइंट में नहीं किया था यहां तो बस समझा था लास्ट में जाके फॉर्मूले थे सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक बहुत सारा था वो आएगा धीरे से आएगा ठीक है इसके अलावा क्या है इसके अलावा मैंने आपको एक डायग्राम से भी बताया था कि सिस्टमेटिक क्या होता था वो डायग्राम भी यहां बना देता यहां सबसे पहले क्या होता था ये आर एफ है ना आर एफ से लाइन स्टार्ट होती थी और यहाँ भी सर आर एफ से ही लाइन स्टार्ट होती है कि कि कौन सी लाइन कर मैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन मैंने तीन टाइप की लाइन है स्पेशली तीन ही लाइन है इज कैपिटल मार्केट लाइन या कैपिटल एलोकेशन लाइन दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो कल पड़ा और सर यहाँ क्या लिखते थे यहां लिखते थे हम बीटा बीटा और यहाँ आर एम और मार्केट का बीटा वन होता था मार्केट का बीटा वन बीटा वन बोल देता हूं फिर ऐसी लाइन बनाते थे और ज्यादा बीटा मतलब और इस लाइन का नाम था सिक्योरिटी मार्केट एस एम एल तो सर मतलब यार बेसिकली अंतर ये समझ में आया कैपिटल मार्केट लाइन में हम टोटल रिस्क देखते थे यस स्टैंडर्ड डैव, स्टैंडर्डाइजेशन देखते थे और सिक्योरिटी मार्केट लाइन में बीटा देखते थे कैपिटल मार्केट लाइन स्पेशली जो काम आता है उसमें हम पोर्टफोलियो का ही रिटर्न कैलकुलेट करते थे या सिर्फ पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो का जबकि इसमें हम इंडिविजुअल स्टॉक का सिस्टमेटिक रिस्क देखकर काम करते थे हालांकि यहां भी आपको ऐसा लग रहा है। सर मार्केट से रिलेटेड यस yes. और ये किससे होगा ये भी मार्केट से रिलेटेड पर यहां मार्केट का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइशन चेक किया जाता था मार्केट का और फिर देखते थे कि आप पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजन क्या रखना है यहां ऐसा कुछ नहीं है यहां हम कंपनी के स्पेसिफिक यहां सिर्फ और सिर्फ पैसा किस में लगा सकते थे सर यहां जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट और रिस्क फ्री में इंडिविजुअल स्टॉक की बात ही नहीं हो रही थी और यहाँ इंडिविजुअल स्टॉक की बात हो रही है भैया आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ठीक है ज्यादा सिस्टमैटिक रिस्क वाला काम कर लीजिए यहाँ टोटल रिस्क पे काम हो रहा था यहाँ सिस्टमेटिक रिस्क क्या आपको ये चार्ट्स देख, देख कर ग्राफ देख कर ही समझ में आ जाएगा या ठीक है सर क्योंकि इधर पूरे छह पॉइंट आएंगे तो चार्ट आपके कॉपी से बाहर चला जाए तो इसी वजह से मैं यहां लिख दूं। तो सोच लो जगह है कि नहीं आप आएगा कि नहीं आप आएगा आप आएगा चिंता नहीं दूसरे पॉइंट में किया था आप बीटा कैलकुलेशन बीटा कैलकुलेशन सर बीटा कैलकुलेशन में भाई सबसे पहले तो मैंने सिखाया कि अगर दो ही दो ही साल का डेटा दे रखा दो ही साल का तो फिर मैं सीधा बीटा निकालने का फॉर्मूला था मेरे पास अर्थ है दो ही सर पहला फॉर्मूला फर्स्ट यहाँ फर्स्ट करके लिख इज इक्वल चेंज इन स्टॉक रिटर्न डिवाइडेड बाय इन मार्केट रेटिंग ये फॉर्मूला सबसे अच्छा सबसे छोटा लेकिन ये फॉर्मूला चलेगा कब जब दो ही साल का स्टॉक का रिटर्न दे रखा है तब सर तो और इसके अलावा और इसके अलावा तीन फॉर्मूले पड़े मैं तो सेकंड वाला लिख दूं क्या फॉर्मूला यस बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कोरिलेशन एक्स और वाई और ये सब कोरिलेशन वगैरह वगैरह कहाँ पढ़ा हुआ है सर ये पढ़ा हमने मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी और तीसरा फॉर्मूला ईटा ए सी कोवेरियंस एक्स और वाई डिवाइडेड वेरिएंस ऑफ मार्केट ये दोनों हालांकि एक ही है ठीक है सर तो ये दोनों फॉर्मूले थे और एक फार्मूला याद रखना ये फार्मूला शॉर्टकट एक्चुअल में और ये तभी लगेगा जब ईयर दे रखा होगा अगर प्रोबेबिलिटी दिया होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता ये ये लगाना पड़ेगा। सर तो वो क्या था समेशन ऑफ xm minus nx bar m bar divided by summation of m square minus n m bar is. ठीक है छोटा छोटा हो गया पर क्या कर ले मजबूर है हमको इसी में सब कुछ डालना पड़ेगा ना यार ठीक है सर नोट कर लीजिए फटाफट से पहला पॉइंट इक्वेशन हो गया पॉइंट नंबर टू बीटा कैलकुलेशन सर इसके बाद क्या बढ़ा था पॉइंट नंबर वन टू अब कर रहे हैं इसके बाद पढ़ा था हमने बीटा मैनेजमेंट बीटा मैनेजमेंट पढ़ा था सर मैनेजमेंट तो बीटा मैनेजमेंट में क्या होता था सर हम लोग बीटा मैनेजमेंट में कि मार्केट क्या होने वाला है उसको देख के अपने पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बीटा सबसे पहले पोर्टफोलियो बीटा यस yes. सर सबसे पहले हम पोर्टफोलियो बीटा पढ़ते थे बड़ा बड़ा सबसे पहले हम पोर्टफोलियो बीटा पढ़ते पोर्टफोलियो बीटा पोर्टफोलियो बीटा क्या होता था सर वेटेड एवरेज बीटा और सर फिर हम जो बीटा मैनेजमेंट करते थे वो किसके थ्रू करते थे तो बीटा मैनेजमेंट हम करते थे तो कैसे करते एक तो यूजिंग रिस्क फ्री मतलब यार रिस्क फ्री एसिड को खरीदेंगे या बेचेंगे डिपेंड करता है कि यार बीटा हमको पोर्टफोलियो का बीटा बढ़ाना है कि कम करना मतलब सर मतलब ये है यार जितना भी पोर्टफोलियो का बीटा है उससे ज्यादा रिस्क लेना है तो रिस्क फ्री पे बोरो करो और उसको भी लगा दो और सर जितना अभी भी टारगेट पोर्टफोलियो बीटा उससे कम बीटा रखना है रिस्क कम लेना तो भाई एक काम करो रिस्क फ्री में लगा और उसको वेट निकालने का एक फॉर्मूला है मतलब सर हम क्या करते थे हम वेट ऑफ ए निकालते थे वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी रिस्की सिक्योरिटी निकालती ए और वो कैसे निकलते थे सर सर वो ऐसा था, था। टारगेट बीटा और बीटा पोर्टफोलियो पर ये सब कॉन्सेप्ट आइए फॉर्मूला काम नहीं आएगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ढंग से सी। तो यूजिंग रिस्क फ्री और यूजिंग अदर स्टॉक सर अदर स्टॉक का मतलब अदर स्टॉक का मतलब ये हो गया कि यार हमको दूसरे स्टॉक बीटा कम रखना पोर्टफोलियो का तो दूसरे स्टॉक ढूंढिए जिसका बीटा कम है उस स्टॉक को खरीद लीजिए और हमारे पास एक ऐसा स्टॉक है जिसका बीटा बहुत ज्यादा है उसको बेच दीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला था ही नहीं कॉमन सेंस था लॉजिक था तो लॉजिक के साथ काम करना फॉर्मूला नहीं है इसमें समझाने वाली हालांकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है प्लीज़ कर लेना बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे दिस इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वहां पर लिखवा रखा हूं पॉइंट नंबर फोर इसके बाद क्या पढ़ा इसके बाद पढ़ा अल्फा सर कौन सा वाला अल्फा वो वाला जो एक ही तो अल्फा है और जो दूसरा वाला अल्फा है कैरेक्टरिस्टिक लाइन वाला वो हमारे काम का नहीं है उस अल्फा पे फोकस करना तो सर अल्फा निकालने का कोई फॉर्मूला था हाँ बेटे अल्फा निकालने का फॉर्मूला अल्फा निकालने का फॉर्मूला ई आर माइनस के और के किसके हिसाब से सर सी ए पी एम इसको इसका फॉर्मूला लिखवाऊं की जरूरत नहीं है सर पता है बस इतना है कि अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव मान लो अल्फा पॉजिटिव है मतलब सर एक्सपेक्ट रिटर्न ज्यादा आने वाला जितना चाहिए उससे ज्यादा यस तो सर हम स्टॉक बाई करेंगे अल्फा नेगेटिव है बाय नहीं करेंगे या है तो उसको सेल कर देंगे पांचवा पॉइंट भी यहीं डाल देता वो था एसिड प्राइसिंग क्या होता था एसिड प्राइस आ, मैंने एक फॉर्मूला बताया था हालांकि मैंने कहा था इसको मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा सिक्योरिटी में और सीरियसली वहां डिटेल में और फॉर्मूला था एसिड का प्राइस निकाल रहे थे पी जीरो इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय यही माइनस जी याद है ना याद तो होगा ऐसा कुछ करते थे एसिड का प्राइस निकाल और इसका कंपैरिजन किससे करते थे एक्चुअल प्राइस से और आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम क्या रही थी सर डी जीरो है कि डी वन है तो मैंने क्या कहा था कि यार एक्जन ले लेना जहां भी दिक्कत होगी तो सर करते क्या थे कंपैरिजन कैसे करते थे कंपैरिजन करते थे अगर एक्चुअल प्राइस मोर देन डी जीरो वैसे अंडर प्राइज ओवर प्राइस भी लिख सकते हो पर मैं उतना लिखवा नहीं रहा हूँ वो भी लिखवाऊंगा ना तो फिर मेरे तो ज्यादा है पीजीरो से पी जीरो का मतलब यार प्राइस ये होना चाहिए जो फ्यूचर में डिविडेंड मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू प्राइस हमें ये होना चाहिए और एक्चुअल तो ज्यादा है तो भाई फिर इसको खरीद कर खरीद कर डिविडेंड मिलेगा भी तो पी कितना मिलेगा मान लो फिफ्टी रुपीज प्राइस 70, तो सेवेंटी तो खरीद क्यों खरीदू फिफ्टी के लिए सेवेंटी थोड़ी दूँगा दूंगा मैं आज तो सर नॉट बाय या फिर सेल बाय अंडर प्राइस एक्चुअल प्राइस कम है पी जीरो से तो अंडर प्राइस टोटल मिलाकर कितना पॉइंट है इसमें सिक्स कितना हो चुका है फाइव चलो लास्ट पॉइंट करते हैं खत्म करते हैं टोटल रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक ये अच्छा है भाई इसमें बहुत सारे फॉर्मूले है टोटल रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क और बड़े चार्ट्स को मैं अलग अलग कर देता हूँ मतलब मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी भी डाल देता हूँ कट करके फिर उसको अलग कर दूंगा नहीं तो अभी आज आपको नोट करना रहेगा चार्ट्स बनाना रहेगा तो बनाओगे कैसे क्योंकि फिर आपको ढूंढने में फिर टाइम लगेगा तो मेरी कोशिश ये है कि भाई आपका टाइम खराब ना हो बस मेरे स्पेशली जो लाइव वाले बच्चे ना उन लोगों तो सर सबसे पहले जो बात हो रही है वो बात हो रही है सबसे पहले मैंने किसके था यार सिंगल स्टॉक सिंगल स्टॉक और सिंगल स्टॉक के लिए मैंने फॉर्मूले लिखवा रखा है तो सर सबसे पहले टोटल रिस्क होता है टोटल रिस्क कुछ नहीं होता बस पहली बात है कि आपको ये वेरिएंस में करना हो तो सर टोटल रिस्क मान लो स्टॉक है एक्स तो इसका स्क्वायर कर देंगे ये यही हो गया हमारा टोटल रिस्क अब दूसरा यार सिस्टमेटिक रिस्क क्यों मैंने बताया था बीटा स्क्वायर ऑफ मार्केट मतलब सर जितना मार्केट का वेरिएशन है उसका बीटा वन पॉइंट फाइव है तो अगर ये दस परसेंट तो भाई सिस्टमैटिक मार्केट की वजह से कितना चेंज होना चाहिए और सर अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम ऐसे लिखते थे ठीक है और वो कैसे निकलता था सर वो तो बैलेंसिंग फिगर टोटल रिस्क में से क्या माइनस कर देंगे और एक शब्द आया था आर स्क्वायर और फॉर्मूला था सिस्टेमैटिक रिस्क डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क मतलब है टोटल रिस्क का इसको क्या नाम देते थे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन तो नाम लिख दो ना प्लीज इसको बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो एफिशियंटिटर्मेश ठीक है सर इसके बाद हम किसपे आ गए हम पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो यस पोर्टफोलियो में कैसे पोर्टफोलियो का अगर हमें टोटल रिस्क वगैरह निकालना तो सर सुनो ना सबसे पहले एक काम करते थे हम सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकाल सकते तो सर वो ऐसे निकाल सकते सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ पोर्टफोलियो जैसे बीटा है ना जैसे ऑफ पोर्टफोलियो स्क् और वेरिएंस ऑफ एक तो ये हो गया दूसरा सर अब अनसिस्टेमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकाल सकते थे या टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकाल सकते थे सर अनसिस्टेमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकाल? टोटल रिस्क तो मैं बता ही दूंगा तो सर अनसिस्टेमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे इसके दो तरीके थे फर्स्ट सर टोटल रिस्क ऑफ़ पोर्टफोलियो में से सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो माइनस कर दीजिए ठीक है और दूसरा तरीका है एवरेज बोलते हैं वैसे वैसे निकालते थे अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ बी स्क्वायर बेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए ऑफ है वो नहीं लगता था क्योंकि हमारा मानना क्या था इसमें कि अनसिस्टमेटिक रिस्क के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं हो जो भी आपस में कोरिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की वजह से है लास्ट या तो ऐसे निकाल पर इसके लिए आपको टोटल रिस्क पहले निकालना ठीक है सर ये भी हो गया सर तो टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकाल टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो उसका तो एक ही दर ए स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर पेरियंस ऑफ बी वेट ऑफ प्लस टू टू वेट ऑफ टू वेट ऑफ बी बी सर ये जो दिख रहा है कोवेरियंस ध्यान देना कुरियंस ए बी निकालने के दो तरीके बात सिर्फ किसकी हो रही एक तो था शार्प और एक तो था मार्कोविट्स। शार्प और मार्को शार्प मॉडल से कैसे करते थे तो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला था बीटा ए बी वेरिएंस ऑफ मार्क और मार्कोविड से कैसे करते थे स्टैंडर्ड एविशन ऑफ ए इंटू स्टैंड और दोनों से अलग अलग आंसर आ सकता हमें करना कैसे था आपको शार्प से ही करना है वैसे क्वेश्चन बताएगा आपको अगर मार्कोविड्स से भी मांग रहा है ना तो बताएगा कि मार्कोविड से भी बताइए और शार्प एक क्वेश्चन किया हमने और सर अगर कुछ ना बोला है तो तो शार्प से ही करना है हम तो वैसे भी हमको इसी से करना है अच्छा सर एक बात और हाँ पूछो सर अगर 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 दिया है कोवेरियंस तो फिर उठा कर ले लेना भाई जो दिया है फिर मत सोचना कि किसका दिया है जो दिया है, वो एक क्वेश्चन किया है इस पे भी ठीक है बस खत्म इतना। सर खत्म क्या हो गया पोर्टफोलियो नई बिट्टे अभी खत्म हुआ है सी ए पी याद रखना ये बहुत काम आएगा और ये जो लेक्चर है ना जो मैं बोलते एक्चुअली ये काम ऐसे नहीं आएगा ये काम ऐसे आएगा कि मैं जो बोल रहा हूं ना अगर तो आप सुनोगे आधा घंटा में तो पूरा की पूरा पोर्टफोलियो रिवाइज हो जाए ठीक है तो ये कौन सा था सर ये था पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर टू है ये पार्ट नंबर सी एपीएम बड़ा टॉपिक है फिर उसके बाद पार्ट वन में मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी जो मैं करवा चुका हूँ पार्ट नंबर टू में आपको मैंने क्या करवाया सी अब पार्ट नंबर थ्री है एपीटी पार्ट नंबर फोर है पोर्टफोलियो uh, रीबैलेंसिंग और पार्ट नंबर फाइव है शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल सब एक ही पेज में आ जाएगी और सर इसके अलावा इसके अलावा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस नहीं करवाए हम ठीक है वो तो हम किसके साथ कर रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस के तो सर उसका भी कर ही देते हैं ना यार हाँ खत्म कर रहा हूँ बात है यहां पार्ट नंबर थ्री पार्ट नंबर थ्री और पार्ट नंबर थ्री क्या चीज है तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थी एपीटी लिख दोगे सर तो भी चल जाए आर्बिट्रेज प्राइसिंग इसको और क्या बोलते एक अच्छा नाम इसका मल्टी फैक्टर्स मॉडल मल्टी फैक्टर होता क्या था कुछ नहीं सर सी एम में सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स को बेस रखते थे और इसमें सिंगल फैक्टर को बेस नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि इन्फ्लेशन की वजह से चेंज होगा इट मींस इन्फ्लेशन की वजह से हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न में चेंज होगा इंटरेस्ट रेट की वजह से जीडीपी की वजह से तो इसने मल्टी फैक्टर्स की बात किया और सर हमारे काम का चीज़ है फॉर्मूला तो फार्मूला क्या है सर इसका फॉर्मूला लिख लेते फैक्टर रिटर्न इज आर एफ प्लस यहाँ यूज करेंगे फैक्टर रिस्क प्रीमियम वन इंटू बीटा वन प्लस फैक्टर रिस्क प्रीमियम टू इंटू बीटा टू ऐसे ही चलते जाए फैक्टर रिस्क प्रीमियम एन इन बीटा एन इसका एक क्वेश्चन जो है ना वो प्लीज लास्ट दिन देखकर चले जाना और उसमें भी पॉइंट नंबर टू और कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ और मैं क्या बताऊँ आपको याद भी हो क्वेश्चन जो है उसमें वेट्स जो है वो अजीब सा दे रखा कि यार ओल्ड प्रपोर्सन जो पहले था वही आगे भी मैंटेन करना उसमें शॉर्ट सेल भी हो रहा है सर याद है तीन ही तो क्वेश्चन है तीनों करना है और ज्यादा फॉर्मुल है नहीं इसमें पार्ट ओह पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में टोटल मिलाकर तो टोटल मिलाकर दो ही क्वेश्चन है इसमें कितने तरीके थे कितने स्ट्रेटेजी थी सर एक था बाय एंड होल्ड दूसरा था कॉन्स्टेंट रेशियो प्लान रेशियो में होता क्या था सर कॉन्स्टेंट रेशियो में हम लोग हमेशा इक्वल करते हुए चलते तो बॉन्ड और इक्विटी को रिबैलेंसिंग में दोनों का अमाउंट इक्वल करते इक्वल अमाउंट ऑफ बॉन्ड है इक्वल तो इसमें भी करते थे बेटे इसमें एक बार हमने इक्वल करके रख देते थे इट और छोड़ देते थे इसमें जब जब भी रिबैलेंसिंग करने के लिए बोलता था तो इसमें इक्वल करते थे और इसमें जो क्वेश्चन है वो मिस सुनिधि वाला है और एक श्रीनिधि वाला है याद होगा पता नहीं और तीसरा था सी पी पी आई तो फुल फॉर्म याद रखना है कि नाम ना रखो चल जाएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस बहुत बड़ा नाम है सी पी पी आई याद इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ एक था, वो था इक्विटी निकालने का फॉर्म और वो मैंने दिया था एम ए माइनस एफ एफ का मतलब होता था फ्लोर ए का मतलब एसेट्स एम के लिए आपको दिक्कत खड़ी होगी एम आया कहां से तो मैंने कहा आपको ज़्यादा सोचना नहीं एम वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो उस हिसाब से एम का को कोई एक लॉजिक नहीं है कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यार एम कितना वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड जैसे ऑडिट सैंपल छोड़ो यार मैं तो कहाँ पहुँच गया मैं ना भूल जाता हूँ कि ये ये चार्ट बनवा ठीक है सर इसके अलावा पार्ट नंबर फाइव बेकार वाला एक ही क्वेश्चन और सर क्या नाम है उसका चार ऑप्टिमाइजेशन शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल सर क्या करते थे ये शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल कुछ नहीं बेटे बहुत सारे स्टॉक्स दिया रहता था और उसमें से हमें कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट करना होता और किसके बेसिस पर ट्रेनर रेशो कुछ स्टॉक्स तो पहला जो तीन फार्मूला याद रखना पहला जो फॉर्मूला है ट्रेनर रेशो और सर ट्रेनर रेशो का फॉर्मूला था एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशो एक्सेस रिटर्न टू बीटा ठीक है तो सर ट्रेनर रेशो जो हाईएस्ट आएगा उसको हम कर लेते थे या जो हाईएस्ट है वो हमारा अच्छा स्टॉक्स है लेकिन इससे ये पता नहीं लगता था कि यार आ, कौन कौन से स्टॉक्स हाईएस्ट वाला सिर्फ बोलता कि यार एक ही स्टॉक तो जो हाईएस्ट वाला है वो कर लेते पर यार एक से ज़्यादा स्टॉक हमें तो पोर्टफोलियो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाना तो फिर हमें कट ऑफ पॉइंट निकालते थे सर मत लिखो फॉर्मूला प्लीज़ बेटे मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दीजिए क्या निकालते थे कट ऑफ पॉइंट देखते याद है कि नहीं यार कट ऑफ करके वो लिखोगे तो भी चल जाएगा कट ऑफ कैसे निकालते पहले तो रैंक दे देते थे फिर टेबल बनाते थे, थे और कट ऑफ का फॉर्मूला था पेरेंस ऑफ मार्केट इन टू वन प्लस पेरेंट ऑफ मार्केट समेशन इधर कुछ आता था इधर कुछ आता था नीचे वाला कुछ क्या था बेटे ये था बीटा स्क्वायर और रिस्क मतलब सर मतलब बस सीधा है कि हमेशा अनसिस्टमेटिक रिस्क डिवाइड ही हुआ बस यहाँ नीचे में स्क्वायर आया है बीटा में ऊपर भी वही है डिवाइडेड बाई अनसिस्टमेटिक रिस्क बस ये समे तो समझ ही गए मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर से नहीं होगा बीटा से दैट्स इट यही तो था सी और फिर हाईएस्ट कट ऑफ निकालते थे और हाईएस्ट कट ऑफ निकाल के क्या करते थे उससे ऊपर जो भी जिसका भी ट्रेनर रेश होगा उससे ऊपर से ऊपर उसको हम सेलेक्ट कर लेते हो गया निकालते थे वेट्स निकालते थे इसको आप जेड आई बोलते थे एक दो क्वेश्चन रिवीजन करोगे तो हो जाएगा सर जेड आई कैसे निकल तो सर जेड आई जेड आई जेड आई जेड आई सर ऊपर तो हमेशा सर बीटा रहता और तो नीचे रहता है आंसर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं फिर क्या करते थे सर हम हम करते थे ई आर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय बीटा ट्रेनर रेशो में से हमेशा कट ऑफ माइनस कर दे तो ये जेड आई निकलेगा उसके बाद वेट निकल बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं पर ऐसा भी नहीं है यार तो तीन चार घंटे इस पर प्रैक्टिस हो है टाइम इतना बाकी आपकी आता नहीं है एग्ज़ाम में आता नहीं है पर सिलेबस में तो है क्वेश्चन भी है इसके बाद क्या किया इसके बाद कोई पार्ट वार्ट नहीं था जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन कैरेक्टरिस्टिक लाइन और कैरेक्टरिस्टिक लाइन में काम क्या करते थे सर एक इक्वेशन बनाया था ईआर इज ईआर या वाई बार भी लिख सकते और वो था सर अल्फा प्लस बीटा आर एम कैसे निकलते थे आपको पता है अच्छा मैंने कहा था इस लाइन की डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है पर हल्का से मैं बना हूँ और सर और होता क्या था इसमें वाई कभी इधर आता था कभी इधर आता था कभी इधर आता था जबकि एक्चुअल में जो ये क्या था वाई और यहां था वाई बार हमें ये निकालना था और ये डिफरेंस किसकी वजह से आता था अनसिस्टेमेटिक तो जब पॉइंट जो प्लॉट करेंगे तो हम इधर-उधर आएगा तो हम क्या करते हैं एक लाइन खींच देते हैं इसको तो बोलते थे बेस्ट फिट लाइन और इसी का नाम था कैरेक्टरिस्टिक लाइन इधर क्या लिखते थे सर इधर हम लिखते थे रिटर्न ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट और इधर लिखते थे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक तो तीन लाइन की मैंने बात किया था सर ये लाइन काम आएगी ये लाइन काम नहीं और इसका अल्फा भी काम का नहीं रहता मतलब सर मेजरली जो काम है वो इक्वेशन है क्या ये वाली इक्वेशन आपको कर इसको कर लेना एकाध क्वेश्चन इसका और एक चीज पढ़ा था हमने और वो था कॉर्नर थ्योरम कॉर्नर थ्योरम बोल रहा है बाकी है वो क्रिटिकल लाइन है और क्रिटिकल लाइन का इक्वेशन लिख देता हूं हालांकि आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस एक्स और इसमें क्या करना था सर इसमें हम लोगों को वेट जो है वेट्स वो लीनियर होता था पर ये बिना क्वेश्चन के तो कुछ याद नहीं रहने वाला बाकी काफी चीजें फॉर्मूले हैं जो याद रह सकते ठीक है देख लेना पर बिना क्वेश्चन के बात नहीं आप ये चार्ट्स कितना भी रिवीजन कर लो फॉर्मूले कितना भी रट्टा मार लो फॉर्मूले लिख लिख कर, कर दीवार सजा दीजिए फायदा नहीं फायदा नहीं फायदा तभी मिलेगा जब क्वेश्चन बनाओके तो फॉर्मूले रट लेने से फॉर्मूले याद रखने से नहीं होते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए तो प्रैक्टिस थैंक यू सो मच अब मिलते हैं म्यूचुअल फंड में मजा आएगा छोटा चैप्टर बात करते शाम को